हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं सिवान शहर के बढ़ड़िया ब्लॉक से, यानी बढ़ड़िया बाज़ार। ये जो बाज़ार देख रहे हैं आप, ये है बढ़ड़िया बाज़ार। बढ़ड़िया बाज़ार से गोपालगंज तक का एक कंप्लीट जर्नी। सो विदाउट एनी डिलेट हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई खान हैदर। अपने यूट्यूब चैनल सिवान संपर्क ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियोस तो वैसे बहुत सारा बनाया हूँ और बनाता रहता हूँ, और अपने चैनल पे आफ्टर रेगुलर इंटरवल पोस्ट करता रहता हूँ। बट वॉइस ओवर वीडियो है ये मैंने काफ़ी दिनों बाद बनाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिनों से थोड़ा सा बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था कि वॉइस ओवर करके आपको मैसेज दे सकूँ या फिर आपसे इस जरिए बात कर सकूँ। सो काफ़ी लंबे समय बाद, एनी हाउ इट्स ग्रेट कम बैक, आपके लिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ और इस रास्ते की इन्फॉर्मेशन आपके बारे में बताता चलूँगा, शेयर करता चलूँगा। वैसे वीडियो में ये जो बंदा जा रहा है आगे बाइक पर, KTM बाइक पर येलो कलर की, इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी वीडियो जो है अपने चैनल पर, अपने फेसबुक पेज सिवान भी यहाँ पर पोस्ट करूँ, इसकी ख्वाहिश भी मैंने पूरी की। वैसे ये वीडियो मैंने काफ़ी दिन बाद पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसकी स्पेशली वीडियो कटिंग कर करके मैंने बढ़ड़िया बाज़ार का इसका स्पेशल जो वीडियो है कटिंग्स करके उसको अपने सिवान पेज पर ऑलरेडी पोस्ट किया था। इस बंदे की रिक्वेस्ट थी कि भैया आप हमारी जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हमारे जो है फुटेज को आप दिखाएं अपने चैनल पे, चाहे अपने फेसबुक चैनल फेसबुक पेज पे दिखाएं। तो इसके लिए मैंने इसकी स्पेशल वीडियो कवर की हुई है, उसकी स्टार्टिंग यहाँ से है। वीडियो देखिए और वीडियो का मज़ा लें। ऐसे भी हमारे बहुत सारे फैन फॉलोअर्स जो हैं मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात होती रहती है, कुछ ना कुछ बात होती रहती है। ये देखिए इसकी विश थी कि इसकी वीडियो फुटेज थोड़ी पोस्ट की जाए। देखिए हो सकता है आप लोग पहचानते होंगे इस बंदे को, बढ़ड़िया का रहने वाला है। एक शॉर्ट फुटेज है इसकी। एनी आओ अब हम लोग चलते हैं अपने डेस्टिनेशन यानी गोपालगंज की तरफ। वैसे अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो बढ़ड़िया बाज़ार से गोपालगंज तक की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 17 किलोमीटर्स है। तो और जो रोड है बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, क्योंकि हाईवे नहीं है। ये मेन हाईवे तो वैसे अगर देखा जाए तो सिवान मीरगंज मुख्य पथ, वो मेन हाईवे है, ये भी है, लेकिन ये रोड जो है ज़्यादा चौड़ा नहीं है। और ये बढ़ड़िया के हम लोग पुरानी बाज़ार के पास से क्रॉस कर रहे हैं। ये जो है बढ़ड़िया का पुरानी बाज़ार कहलाता है। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो का आनंद लेते हैं और आप सभी को दर्शन कराते हैं बढ़ड़िया से गोपालगंज तक का पूरा जर्नी। अगर रोडवेज की बात की जाए तो बढ़ड़िया से लेकर के गोपालगंज तक के रोड की स्थिति जो है बहुत ही सही है। दे के कहा जाए तो आप रेटिंग देना चाहेंगे तो 10 में मैं 8 देना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज कि रोड जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा है नहीं इसकी वजह से। एनी हाउ वैसे रोड अच्छा है, आप चाहें तो आना जाना कर सकते हैं, बट ऑलवेज़ रिक्वेस्ट करता हूँ मैं अपने हर वीडियोज़ में, जैसे वॉइस ओवर करता हूँ अक्सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी आप सड़क पर जाएं तो अपना डिफेंस खुद से देख कर चलें, स्पीडिंग अप ना करें ज़्यादा। क्योंकि इस रोड पर चलने में अक्सर देखा जाता है कि बोलेरो, स्कॉर्पियो या फिर कोई भी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो स्पीड थ्रिलिंग करती हैं सब, सम ऑफ द टाइम्स बाइकर्स भी थ्रिलिंग करते रहते हैं सब। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि हमारी बाइक की स्पीड क्या होगी। तो ये देखिए ईदगाह है बढ़ड़िया के खानपुर का, हम लोग गुजर रहे हैं बढ़ड़िया के खानपुर के पास से। ये इलाका जो है खानपुर का इलाका है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रोडवेज, यहाँ पे रोड जो है ख़राब नहीं है, थोड़े थोड़े गड्ढे हो गए हैं, लेकिन अगर पूरी डिस्टेंस की बात किया जाए यानी कि अगर टू गोपालगंज तो रोड बिल्कुल सही है, कहीं से किसी तरह कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मैं स्पीड थ्रिलिंग की बात कर रहा था, अक्सर देखा जाता है कि करते हैं ये सब बाइकर्स भी हैं, सम ऑफ द टाइम्स फोर व्हीलर्स भी है ही हैं। अनएक्सपेक्टेड अगर अटेम्प्ट हो जाता है बाइकर्स के थ्रू या फिर फोर व्हीलर्स वालों के थ्रू तो कोई एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। और ऐसी जगह पे जहाँ पे ये पानी गीला गीला है, यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो 100% चांसेस रहते हैं बाइक के स्लिप करने का या फिर फोर व्हीलर्स के टायर के स्लिप करने का, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सो ऑलवेज़ अपनी तरफ से कॉशंस रखें, ख्याल रखें इस चीज़ का कि कभी भी आप स्पीड थ्रिलिंग ना करें, अनएक्सपेक्टेड ओवरटेक ना करें, या फिर किसी का रफ तरीके से ओवरटेक वगैरह या फिर रफ ड्राइविंग ना करें। मैं तो हमेशा आप सभी की बेहतरी के लिए काम ना करता हूँ, दुआ करता हूँ। लेकिन चलें वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारी डेस्टिनेशन जो है गोपालगंज है। वैसे मैंने ये सफ़र की शुरुआत जो है मैंने आपको सिवान से किया था, बट आपकी जर्नी कंटिन्यूएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ बढ़ड़िया से गोपालगंज तक का, जस्ट बिकॉज At the time I was driving, so unable to take video from Sivan to Birganj, बढ़ड़िया, यानी कि बढ़ड़िया तक मैं बाइक चला के आ रहा था। तो बाइक चलाते वक्त मैं वीडियोग्राफी कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि ख्याल रखना होता है हर किसी चीज़ का। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ वैसे हर किसी के कहता रहता हूँ, ये जो रास्ता है
आपको डायरेक्ट मीरगंज की तरफ चला जाता है, और ये रास्ता भी बहुत सही है, आप चाहें तो जा सकते हैं मीरगंज की तरफ। डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 11 किलोमीटर्स है। तो मैं ये कह रहा था कि सिवान से इस जर्नी की शुरुआत किया था मैंने, और बढ़रिया तक का इसका कंटिन्यूएशन था, गोपालगंज तक का। तो इस वीडियो का स्टार्टिंग जो है, वैसे मैंने आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि इस वीडियो की स्टार्टिंग जो है आपको बढ़रिया बाज़ार से, बढ़रिया थाना के पास से गोपालगंज तक का कंटिन्यू है। सो वीडियो में आप जुड़ रहे हैं और वीडियो का आनंद लें। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जा रहे हैं बढ़रिया से गोपालगंज की तरफ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई खान हैदर। अपने YouTube चैनल सिवान संपर्क ऑनलाइन में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग पहुँच रहे हैं बढ़रिया ब्लॉक के निरखी छपरा गांव के पास से, यानी बढ़रिया गोपालगंज मुख्य पथ पर खानपुर के बाद से ये पहला गाँव पड़ने वाला है निरखी छपरा। एनी आओ वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो का मज़ा लेते हैं। आप सभी देखें और वीडियो का मज़ा लें। आप सबको और हमारे ऐसे फैन फॉलोअर्स हैं जिनका घर वगैरह नहीं यहाँ से नज़र आ सकता है, ये देखिए छत्तीसी और मीरा छपरा की तरफ जाने का रास्ता बता रहा है, और ये देखिए सड़क पर पूरी टीम के साथ डॉगी जो है अपने चल रहे हैं। मैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि सड़क पर आप कभी भी चलेंगे तो एक डिफेंसिव स्पीड के साथ चलेंगे, क्योंकि ये हमारे इंडिया की सड़कें हैं, खासकर अपने बिहार की सड़कें हैं। कब कहाँ से भैंस, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली क्या आ जाएगा, नो वन कैन इमेजिन। बट इतना जहन में रख कर चले कि ये कभी भी इधर से भी आ सकता है। सर अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग ही जा रहे थे, हमारी स्पीड आप देख सकते हैं, अचानक से एक घर से निकल करके भैंस सामने आ गया, हमारा गाड़ी उससे टक्कर खा गया। होता है, आप जितना भी आपको डिफेंस भी रखना चाहेंगे तो सामने वाला आपको ठोकर ही देगा। एनी हाउ ये लेफ्ट हैंड साइड का जो इलाका है वो माधोपुर का कहलाता है, आप बोर्ड देखे होंगे, ये पूरा इलाका जो है माधोपुर का कहलाता है। बढ़रिया ब्लॉक के माधोपुर काफ़ी प्रसिद्ध गाँव है यहाँ पर, और वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं जो सड़क जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा तो नहीं है, लेकिन ये है बहुत ही अच्छा है, यानी कि आप आराम से अगर आप 50-60 की भी स्पीड से जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं कहलाएगा, आप आराम से अब गोपालगंज तक जा सकते हैं। वैसे जाने वाले तो 100 की स्पीड में भी चले जाते हैं, जाने वाले तो अपनी अलग अलग चॉइस है, इट डिपेंड अपॉन द चॉइस एंड द पर्सन, जो बाइक चला रहा है या फोर व्हीलर चला रहा है उसकी अपनी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं बढ़ते हुए वीडियो में आगे गोपालगंज की तरफ जाते हुए कालू छपरा, यानी कालू छपरा गांव, ये बाजार है उसका, कालू छपरा गांव के पास से हम लोग गुजर रहे हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर विजिट करें, अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ जो है मैं अब सभी के लिए बनाता रहता हूँ, सिवान के अप्रॉक्सीमेटली हर कोने से, हर दिशा की, जहाँ जहाँ मैं पॉसिबिलिटीज़ होती है जहाँ सकता हूँ जाता हूँ, और एज़ पर द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सनस, हमारे जितने भी फैन फॉलोअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट भी होती है कि सर आप वीडियोज़ कवर करिए यहाँ से वहाँ से, तो मैं कोशिश करता हूँ कवर करने के लिए हर तरफ की वीडियोज़ को। बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं जिनकी रिक्वेस्ट रहती है कि भैया आप यहाँ की कवर करो, मैं उनकी रिक्वेस्ट के हिसाब से स्पेशली उन लोगों के लिए विजिट भी करता हूँ और वीडियो क्रिएट भी करता हूँ। हमारे बहुत सारे फैन फॉलोअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिक्वेस्ट डाली हुई है, कुछ एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं आपको बताऊँगा। कुछ लोग हैं जो कि मैरवा के बारे में बताएं, मैरवा दरौली जो मुख्य पथ है उसके कुछ गाँव का रिक्वेस्ट किए हैं, प्लस इसके अलावा एकमा बाज़ार का कुछ रिक्वेस्ट आया हुआ है। सो आई विल सी जब मुझे कैसी टाइम मिलती है उसके हिसाब से मैं अब इस जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। वैसे कोशिश रहती है आप सभी की विशेस को फुलफिल करूँ, क्योंकि विज़िट करना, ट्रैवल करना, बाइक राइडिंग ये हमारी हॉबी में शुमार रखता है, तो इसलिए अपनी हॉबीज़ को एक पैशन और बनाने के लिए आप सभी के साथ जुड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम था कि जो मैंने चैनल बनाया, और इसी चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ा, आप लोगों के बारे में जाना, आप लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की है, आप लोगों के विचार जाने, अपने विचार को आपके सामने रख सका, बातचीत करने का एक अच्छा मौका भी मिल सका। बहरहाल आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं शाहपुर बाज़ार। जो लोग इस रूट के हैं अवेयर हैं, जानते होंगे कि कौन सा बाज़ार है, ये है आपको शाहपुर बाज़ार। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं बढ़रिया गोपालगंज मुख्य पथ के शाहपुर बाज़ार के पास से। आप देख सकते हैं, आपके लिए प्रेजेंटेशन करता रहता हूँ अक्सर, बहुत सारे वीडियोज़ बनाकर चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। सो यू नीड टू विजिट एटलीस्ट वन मोर टाइम टू माई चैनल, और आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे भी जा सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं आपको अपलोड की हुई हैं, और पब्लिक रिक्वेस्ट भी आती रहती है। अब जैसे कि सिवान से पचुकी का अगर हमको वीडियो बनाना है तो ऐसा बहुत सारा वीडियोज़ मैंने बनाया हुआ है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स के साथ और विद अलग अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारे चैनल पे वैसी वीडियोज़ भी है जब बाईपास रोड नहीं था उस वक्त की वीडियोज़ भी है, प्लस अपडेटेड वीडियोज़ भी है।
तो अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे जैसे वक्त बदलता रहता है, गुजरता रहता है, उसके हिसाब से मैं अपनी वीडियोज़ को कैप्चरिंग करता रहता हूँ और सब आप सभी के लिए पोस्ट करता रहता हूँ। तो वीडियो को देखें और वीडियो का मज़ा लें। और वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग गुजर रहे हैं शाहपुर के जस्ट आगे, जैसे बढ़ेंगे तो हमको शेखपुरा गांव मिलता है। वैसे गांव तो यहां से रोड पर, मेन रोड पर तो नहीं होता है गांव, या तो लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड में उसका रास्ता होता है जाने का, बट एटलीस्ट लोकेलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो स्पॉट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बताया जाता है कि ये शेखपुरा गाँव है, चाहे मीरा छत्तीसी, चाहे माधोपुर, व्हाटएवर जो गाँव आता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग सभी लोगों को देता रहता हूँ। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं पहाड़िया गोपालगंज मुख्य पथ के शेखपुरा गाँव के पास से। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं बाबूहाटा बाज़ार के आसपास से। ये जो इलाका है बड़ड़िया गोपालगंज मुख्य पथ के बाबूहाटा बाज़ार का रहता है, सामने बाज़ार पड़ने वाला है और गांव भी वही है। तो वीडियो में आगे तक चलते हैं हम लोग, ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंड लेटेस्ट अपडेट्स। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आप सभी के लिए क्रिएट करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ और अपने चैनल सिवान संपर्क ऑनलाइन में पोस्ट भी करता रहता हूँ, और साथ ही साथ अपने फेसबुक पेज सिवान बिहार पे भी बहुत सारे अपडेट्स, इन सब वीडियोस की लिंक्स शेयर करता रहता हूँ। आप उन लिंक्स के ज़रिए हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और अदरवाइज़ आप यहाँ भी जुड़ करके आप बहुत सारे वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। कोशिश ये रहती है कि आप सभी को आपके शहर, गांव, टोला, मोहल्ला के साथ करीब ला सकूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि किसी न किसी कारणवश अपने घर से दूर हैं, जैसे काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, या ओवरसीज़ में कहीं रह रहे हैं, या फिर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं अपने शहर से बाहर हैं, पढ़ाई के सिलसिले में कहीं बाहर हैं। तो उस वक्त अब कभी कभी ऐसा वक्त आता है, ऐसा मोमेंट आता है कि हम अपने गांव, शहर, टोला, मोहल्ला को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि उन सबको देख सके। तो बस मेरी छोटी सी कोशिश ये है कि उन सबको गाँव, शहर, टोला, मोहल्ला के नज़दीक और करीब ला सकूँ, चाहे अपने पेज के माध्यम से, चाहे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो कोशिश यही रहती है, बाकी आप लोग का सहयोग भी है, सपोर्ट भी है, तो कोशिश जारी है। जब तक है इंशाल्लाह कोशिश रहेगी आप लोगों के, आपके शहर, टोला, मोहल्ला, गांव के नज़दीक ला सकें। हर किसी की अपनी अपनी यादें हैं। पड़वा कमटिया ये जो इलाका है, पड़वा कमटिया कहलाता है, हमारे बहुत सारे फैन फॉलोअर्स भी जो हैं इस जगह से जुड़े हुए हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि उनकी अपनी अलग अलग यादें हैं। जैसे कि अगर कहा जाए तो कुछ बातें मैं बोलूँगा तो आपके जहन में वो क्लैश करेंगी, जैसे कि डेवी मोड़ की पुरानी यादें, जो चाय पीने हम लोग जाया करते थे, या फिर राजेंद्र स्टेडियम में क्रिकेट खेलना, गांधी मैदान में क्रिकेट खेलना। अब जो लोग बाहर हैं, सम ऑफ द टाइम्स ऐसे मोमेंट आते हैं आप मिस करते हैं उस मोमेंट को, उस पल को, कि काश हम लोग उस जगह पर दोबारा जाते, काश हमारे दोस्त वापस से एकत्रित होते, काश हम लोग गेंद से वैसे ही खेलते, क्रिकेट खेलते, या फिर अपने जो भी गेम्स होते हैं खेल सकते थे। लेकिन वक्त ऐसा है कि किसी के लिए आज के अपने वक्त नहीं है। तो मेरी अपनी यही कोशिश रहती है कि इस चैनल के माध्यम से, अपने पेज के माध्यम से उन लोगों को उनके करीब ला सकूं। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपके वो दोस्त भी देख रहे हैं जो कि आपके काफ़ी करीब थे, लेकिन अभी फिल वक्त किसी कारणवश आपके साथ में नहीं है। तो इस चैनल का माध्यम से मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको अपने शहर, गाँव, टोला, मोहल्ला के नज़दीक ला सकूँ, आपको अपने करीब ला सकूँ, यादों को आपको एक बार फिर से रिकॉल करा सकें। नहीं है क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, हम लोग और हम लोग जा रहे हैं गोपालगंज की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं बंगरा गांव, यानी कि इसको नजर अल्फाज में ये सब आप कह सकते हैं कि यहां से अब गोपालगंज का हदूद चालू हो चुका है, गोपालगंज का बॉर्डर जो है सिवान चालू हो चुका है यहाँ से, यानी कि आप कह सकते हैं कि वेलकम टू गोपालगंज, आप सभी गोपालगंज में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो में को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। वैसे आप लोग वीडियो की स्टार्टिंग आप लोग देखे होंगे, तो इसकी स्टार्टिंग मैंने बड़ड़िया बाज़ार यानी बड़ड़िया थाना के पास से किया था, और इसकी कंटिन्यूएशन जो है पूरा गोपालगंज तक है, कंप्लीट जर्नी है इसका। सो वीडियो को अंत तक देखें, बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं जिनको ये रास्ता देख करके उनका घर, उनकी दुकान, उनका आसपास का इलाका हर कुछ नज़र आएगा। बहुत सारे फैन फॉलोअर्स जो ऐसे हैं कमेंट करके बताते हैं कि हमारा घर दिखा,
अक्सर मैं उन लोगों के साथ मस्ती भी करता हूँ कि भाई आपका घर है तो ठीक है, चाय बनाइए, मैं आता हूँ। ऐसे मौका मिला है तो कभी किसी के पास, ऐसे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनके पास अब मैं गया भी हूँ, मुलाकात भी किया हूँ अच्छे से, उनसे बहुत अच्छे काफ़ी परिचित भी हैं। देखिए कभी मौका मिला है तो आप लोगों से कभी मुलाकात हो सकी तो होगी होगी। वैसे आगे बढ़ने के बाद थोड़ी दूरी पर हमारे ख़ास एक दोस्त हैं, हमारे करीबी दोस्तों में से एक है उनका, जो कि गोपालगंज नाम से पेज चलाते हैं। उनका भी गांव आगे ही है, कपिलासपुर बाज़ार। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, कपिलासपुर बाज़ार भी देखेंगे, जो कि यहाँ से बहुत दूर नहीं है, नज़दीक ही है, बट स्टिल वी आर इन द वे, हम लोग रास्ते में ही हैं। चलते हैं हम लोग अपने टारगेट यानी कि अपने डेस्टिनेशन गोपालगंज की तरफ। देखिए ये रोड ज़्यादा चौड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं कि अभी एक फोर व्हीलर आई, अप्रॉक्सीमेटली आधा रोड वही कैप्चर कर जाती है। यानी कि अगर बात करें दो, अगर स्कॉर्पियो यानी दो फोर व्हीलर एक साथ आ जाए तो थोड़ा मोड़ा किसी को रोड से हल्का फुल्का उतरना पड़ सकता है। रोड बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बट आई सजेस्ट यू टू विज़िट, आप इस रोड से जाएँ। रोड चौड़ा नहीं है लेकिन रोड बहुत बेहतरीन है, कहीं गड्ढे पड्ढे ऐसे नहीं हैं, कहीं कहीं कुछ सड़कें ख़राब हुई हैं, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ रेन, बाकी सड़क बिल्कुल बेहतरीन है। रेटिंग में मैंने स्टार्टिंग में ही नहीं बताया था मैंने कि रेटिंग देना हो तो 10 में मैं 8 दे सकता हूँ, जस्ट बिकॉज रोड चौड़ा नहीं है। एनी हाउ मूविंग टुवार्ड्स आवर डेस्टिनेशन गोपालगंज। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं हाता बंगरा गांव के पास, यानी कि गोपालगंज हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। गोपालगंज में तो वह हम लोग वैसे प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हाता बंगरा ये इलाके का नाम हाता बंगरा है। वैसे दोस्तों अगर मेरे से अगर किसी इलाके का नाम बताने में अगर मिस्टेक हो गई तो आप हमें इनबॉक्स में मैसेज में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं उसको कमेंट कर सकूँ, सुधार सकूँ कर सकूँ। एज़ पर माई कंसर्न मुझे जहाँ जहाँ की जो जो नॉलेज है और जो जो मैंने जानता हूँ मैं उसके बारे में मैंने बताया भी है, अनदर नाम मेंशन करके भी बताया है, लेकिन अगरचे फिर भी उसके बाद भी कहीं कोई मिस्टेक हो गई है किसी जगह का नाम बताने में तो हमें कमेंट बॉक्स में बताकर कंफर्म ज़रूर करें। वेल, हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, गोपालगंज की तरफ। और यहाँ से गोपालगंज आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 50% मोर देन 50% हम लोगों ने अपनी जर्नी ही कम्प्लीट कर ली है। पढ़िए से आते वक्त में हम लोग हाता बंगरा गाँव जो है क्रॉस कर रहे हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने पेज और अपने यूट्यूब चैनल दोनों पर, सिवान संपर्क ऑनलाइन जो हमारा चैनल है, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है आप सभी के लिए, आप लोग जुड़ें और देखें। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज सिवान बिहार के साथ भी जुड़ें, हमारे बहुत सारे फैन फॉलोअर्स आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जो कि गोपालगंज से भी हैं, सिवान से भी हैं और नियर बाई। इसके साथ हमारा पेज जो है उसको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 कंट्रीज़ से देखी जाती है रोज़, और मैं उस पर ज़्यादातर अपना यादव से रिलेटेड वर्क करता हूँ, न्यूज़ से रिलेटेड वर्क नहीं करता, क्योंकि मुझे न्यूज़ वगैरह वर्क जो है बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि न्यूज़ शो करते हैं, बहुत सारे न्यूज़ ऐसी होती है जो कि फेक भी होती है, जिसकी वजह से लोग का माइंड डाइवर्ट होता है। सो दैट मैं न्यूज़ पर फोकस नहीं करता, मैं अपना जो वर्क है इसको सिर्फ सिंस लॉन्ग कंटिन्यू एज इट इज़ कर रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही जारी रखूँगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। एनी हाउ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी जस्ट जो गाँव गुजर रहा है ये धोबोलिया गांव है। यहाँ से गोपालगंज बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 किलोमीटर्स है। इट इज़ जस्ट डिपेंड अपॉन योर चॉइस, आप गोपालगंज में किधर जाना चाहते हो। मैं स्टेशन को मार्क करते हुए बता रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 किलोमीटर है, वरना अगर आप आगे की तरफ जाना चाहते हो, अगर थावे रोड की तरफ या जंगलिया की तरफ, तो डिस्टेंस वेरी कर सकता है, अप एंड डाउन कर सकता है। सो एनी हाउ हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियोस को देखें, वीडियोस पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको नई नई ताज़ी ताज़ी बहुत सारी वीडियोज़ मिलती रहें
चैनल्स के रिगार्डिंग बहुत सारा अपडेट्स देता रहता हूँ मैं, और भी न्यूज़ वगैरह भी क्रिएट करता रहता हूँ। प्लस साथ ही साथ जो भी अपने सिवान शहर में जो नया है, कुछ नया चीज़ होने वाला है या कुछ इवेंट्स वगैरह है, तो उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ और अपने पेज के माध्यम से भी। सो चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए जो है अलग अलग जो बाज़ार आ रहा है, सभी गांव भी आ रहा है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट एज़ पर माय कंसर्न, एज़ पर माय नॉलेज, ये भगवानपुर केशवपुर बाज़ार करके आता है इसका नाम है, तो वहाँ से हम लोग फिलहाल गुजर रहे हैं। तो अगर कुछ नाम में मिस्टेक्स हो तो हमें ज़रूर मैसेज करके बताएँ, ताकि मैं उसको अगली वीडियो के साथ कमेंट कर सकूँ। वैसे तो अगर देखा जाए तो सिवान के अप्रॉक्सीमेटली हर कोने में मैंने विज़िट किया हुआ है और नाम वगैरह देखा है, तो हर जगह का नाम मालूम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी रूट से आप गुजर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए नाम गुजरा, तो किसी रूट से गुजर रहे होते हैं तो आप उस रूट का एग्जैक्ट नाम बोर्ड वगैरह पे भी मेंशन रहता है, प्लस आपको ऐसे कंसर्न जानकारी रहती है तो आप उसके बारे में बता सकते हो। जैसे सिवान से आप पचरूटी की तरफ जाते हो तो आपको हर रूट पता होगा कि हाँ ये रूट ये गाँव आने वाला है, पहले टेकरा डाला आएगा, फिर चाँप आएगा, जसौली। सेम एज आप अगर किसी भी रूट में जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को पता होता है। जैसे कि हम लोग बढ़िया से बढ़े गोपालगंज की तरफ, तो हमको पता है पहले पड़ेगा पुरानी बाज़ार, फिर खानपुर, छत्तीस में मीरा छपरा, निरखी छपरा करके कालू छपरा, ऐसे करते हुए बहुत सारा गांव पड़ते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो गोपालगंज के अंदर मेरा ज़्यादा घूमने का तजुर्बा नहीं है, सो इधर की ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट आई अश्योर यू कि यहाँ जहाँ पर वीडियो अभी क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पर अभी ये वीडियो अभी चल रही है, यहाँ से गोपालगंज बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली नॉट मोर देन 3 or 4 kilometers। तो वीडियो के साथ स्टे कनेक्ट रहें आप, और अगर आपको जानकारी होगी, अगर आपको पता चलता है कि ये इलाका ये है, तो आप उसके टाइमिंग के साथ आप उस जगह का नाम मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अपने जहन में रखूँ। ऐसे तो जहन में रहती ही है, लेकिन चूँकि ये अपने टाउन में का नहीं है, गोपालगंज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो गोपालगंज का बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जुड़े रहें चैनल के साथ और ऐसी अपडेट्स बहुत सारे मैं बनाता रहता हूँ। बस आगे की तरफ थोड़ी दूर जाने के बाद अब दो और गांव पड़ेगा, उसके बाद से आपको गोपालगंज यानी गोपालगंज का टाउन का हद जो है वो शुरू हो जाएगा। कुरार गांव है, प्लस कबिलासपुर बाज़ार जो है, उसके साथ ही साथ नहर चालू होता है। नहर के बाद से आपको गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में यानी कि प्रॉपर टाउन के अंदर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। सो हम लोग चलते हैं गोपालगंज की तरफ और देखिए वीडियो का मज़ा ले। जिस वक्त मैंने वीडियो कैप्चरिंग किया था, थोड़ी मोड़ी बरसात वाली मौसम थी, तो आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी जो है हर तरफ है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। हरियाली देखने के बाद दिल भी थोड़ा हरा हरा भरा हो जाता है। सूखे सूखे या फिर बारिश का मौसम या फिर बिल्कुल ठंडा या बिल्कुल कुहासा, तो खैर मौसम बदल रहा है, ठंडी की मौसम भी आ गई है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ठंड से बचें और अपने आसपास में बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं जिनको कपड़े की ज़रूरत है, जिनको गर्म कपड़े की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत पड़ती है, तो जितनी हो सके अगर आपके पास वो भगवान ने खुदा ने अल्लाह ने अल्माइटी गॉड ने अगर आपको इतनी सलाहियत दी है तो आप लोगों की मदद करें। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अक्सर हर ठंडे के मौसम में कंबल डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। एज़ पर माई नॉलेज जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ, विज़िट करता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग ज़रूरतमंद हैं, तो मैं ऐसी मदद करता रहता हूँ और बहुत हद तक अपनी कोशिश में कामयाब भी रहता हूँ। किसी के चेहरे पर खुशी लाने का एक अलग ही मज़ा है, दिल में दिमाग में अजीब अंतरात्मा को बहुत सुकून मिलता है किसी को खुशी आप देने पर, तो मेरी कोशिश रहती है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि मेरे साथ जुड़ करके मेरा सहयोग करने की कोशिश करते हैं और किए भी हैं सब, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि गरीब दुखिया जो भी हैं, जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें मदद की जानी चाहिए, मैं उनकी मदद करता हूँ कपड़ों से या फिर गर्म कपड़ों से, स्पेशली इन द विंटर्स। आप जानते हैं कि ठंडी कितनी पड़ती है अपनी तरफ, बहुत ख़तरनाक ठंडी पड़ती है, तो कभी
कभी कपड़ों से, कभी कभी पैसों से। मैं ये बात आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ से मुतासिर हो, आप भी इस चीज़ को अडॉप्ट करें। अच्छी चीज़ कहीं भी मिले अडॉप्ट करना चाहिए, बुरी और अच्छी दोनों चीज़ मार्केट में। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम क्या चीज़ अडॉप्ट करते हैं, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें। मुझे ये चीज़ करना अच्छा लगता है तो मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ करने के लिए कि आप भी करें। हो सकता है आपको भी खुशी मिलेगी जो खुशी मैं प्राप्त करता हूँ, हो सकता है आपको भी वैसी ही खुशी मिलेगी। तो अच्छे कर्म करने का फ़ायदा कभी भी होता है। तो मैं अच्छे कर्म इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को फ़ायदा हो या उससे कुछ नहीं, मैं वैसा सोचता ही नहीं। मुझे लगता है कि हाँ, वो गरीब दुखिया इंसान जो भी है, वो भी हमारे भाई ही हैं, हमसे अलग नहीं है। तो मेरी भी जिम्मेदारी भी, मुझे अपनी ज़िम्मेदारी लगती है, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए मैं उन लोगों की हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन लोगों की हेल्प करता रहता हूँ। और कभी कभी सोचता हूँ कि आप लोगों से भी बोलूँ फंड्स के लिए, लेकिन एवरी पॉजिटिव थिंग्स और एवरी पॉइंट हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, हर बात के साथ सकारात्मक और नकारात्मक सोच भी रहती है। तो कई लोग कह सकते हैं कि कुछ ये फंड जमा करके ये घपला करना होना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता भाई। कोशिश ये रहती है कि अब हर किसी को उसके मुस्तहिक तक पहुँचा सकूँ। आप मार्केट में होंगे तो बहुत तरह के लोग मिलेंगे आपको, भीख मांगने वाले, अलग अलग तरह के पॉइंट्स दे करके आपसे पैसे ले लेने वाले। अब हम थोड़ी देखने जा रहे हैं कि वाकई उनकी ज़रूरत की चीज़ है, ज़रूरतमंद है या नहीं है। बस हम लोगों को लगता है कि हाँ दे देनी चाहिए, दे देते हैं, बट वाकई वो चीज़ उनके लायक है या नहीं है, क्या वाकई उस चीज़ के हकदार है भी या नहीं है, ये भी इसकी जानकारी लेना भी हमारा अपना काम है। तो मैं खुद की तहकीक करता हूँ, वाकई ज़रूरतमंद इंसान होता है तो मैं उनकी मदद करता हूँ एज़ पर माई कंसर्न, जितनी भी हो सकता है, जितनी मुझसे हो सकती है मैं कोशिश करता हूँ उनका सहयोग करने के लिए। अब ये देखिए बाइक वाला साइड देने का नाम नहीं ले रहा है। एनी हाउ, क्या कर सकते हैं, ये भी एक जर्नी का हिस्सा ही है। एनी हाउ, हम लोग पहुँच चुके हैं कबिलासपुर बाज़ार। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ से गोपालगंज दूर नहीं है, नहर पार करते के साथ हम लोग गोपालगंज के हदूद में एंट्री कर जाएंगे। सो आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट हेल्पिंग नेचर। आप किसी की हेल्प करोगे तो हो सकता है आपकी भी कोई हेल्प करे। ये इंटेंशन हेल्प करते वक्त ना रखें कि मैं अगर किसी की हेल्प कर रहा तो कोई हमारी भी हेल्प कर रहा, नहीं, नेवर भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस आप अपनी स्वेच्छा से अपनी खुशी के लिए किसी की मदद करना आप करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हम लोग कबिलासपुर गांव क्रॉस करते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं नहर, कहाँ नहर, ये जो नहर है काफ़ी मशहूर नहर है। ये देखिए रोड जो है काफ़ी चौड़ा, नया पुल बनाया गया, पुराना पुल ये जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है वो आप कह सकते हैं बंद ही हो चुका है, बट ये नया वाला पुल चालू हो गया। ये कैमरा जो है ऑटोमेटिक जूम हो जा रहा है कभी कभी, ये मोबाइल में कुछ फॉल्ट टाइप का हो गया है, जो कि देखिए जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट सम अमाउंट ऑफ टाइम्स हो रहा है। ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल को मैंने बढ़िया से स्टार्ट किया हुआ है और अब टू मोर देन 28 मिनट्स नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग हो रही है, तो शायद इसकी वजह से कुछ हैंग कर रहा है कह सकते हैं। ये देखिए जूम ज़्यादा हो गया है, अभी इसको जूम इन करूँगा। एनी हाउ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग नेचर, हेल्प करें, ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। एनी हाउ, हम लोग गोपालगंज में आ चुके हैं, आप सभी का गोपालगंज में हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं गोपालगंज टाउन के अंदर। साथ में आप देख सकते हैं जो बंद चीनी मिल जो है लेफ्ट हैंड साइड में बंद नज़र आ रहा है आपको, तो गोपालगंज में जा रहे हैं। एक चीज़ मैंने देखा हुआ है अपने सिवान शहर में या फिर गोपालगंज में या फिर किसी भी शहर की बात की जाए, तो शहर की जितनी भी गंदगी है, कचड़े हैं, उन सबको निकाल करके शहर से आउट वाला इलाका पे फेंक दिया जाता है।
वो तो ज़रा भी अच्छा ही नहीं लगता है। पता नहीं नगर पालिका इससे रिलेटेड क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, गंदगी जो होती है क्या बोलूँ मैं। यानी आओ चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आप इस वीडियो में ही देख लीजिए ये कितनी गंदगी नज़र आ रही है। बट क्या कर सकते हैं, नगर पालिका का ये काम है, साथ ही साथ आम इंसानों का भी काम है कि सफाई में मदद करें। बट क्या कर सकते हैं, नॉट एवरी फिंगर इज़ ऑन द सेम साइज़, इसी तरह हर इंसान एक जैसा नहीं है। ये प्रवेश द्वार है आपको चीनी मिल के अंदर जाने का, और हम लोग प्रवेश कर चुके हैं गोपालगंज शहर में। सामने आप देख सकते हैं वो रेलवे क्रॉसिंग है, यानी कि रेलवे ढाला है, वो जो इसी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी दूर पे आपको गोपालगंज रेलवे स्टेशन नज़र आएगा। थोड़ी दूर बढ़ते हैं तो हम लोग अपना कैमरा घुमा करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये रहा आपका ढाला, ढाला पर हम लोग आ चुके हैं। जस्ट देयर इज़ ब्रेकर, सो हमारी स्पीड जो है थोड़ी स्लो हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंड लेटेस्ट अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।